ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पार्ट तीन पढ़ रहे थे नानक के घर मजे मजे, जिसमें काव्या थी। जिसमें काव्या थी और काव्या कहाँ लेके जा रही थी अपने मित्र मंडली को? गांव में, है ना। तो गांव में उसने बहुत सारी चीजें बनाई, तो उसके मित्रों को बहुत सारी चीजें बता दी थी। वो सारी चीजें वह बताने लगी। जैसे ही वो अपने पापा के साथ में गांव में पहुंचते हैं, तो नाना नानी ने उनका स्वागत किया, जहाँ पे उनका बछड़ा आंगन के सामने बांधा हुआ था। वो प्यार से उसके ऊपर क्या करती है, सहलाती है। और नाना जो है उसको कहाँ लेके जाते हैं, बच्चों को खेतों में लेकर जाते हैं। और साथ ही साथ हाट यानी जो बाजार था, छोटा बाजार, वहां पे वो लेके जाते हैं। वहां से उन बच्चों ने क्या खरीदा, छोटे बाजार से क्या खरीदा, मिट्टी के बर्तन, खिलौने खरीदे, सॉरी मिट्टी के खिलौने खरीदे। यस, खिलौने खरीदे। अभी हम आगे जाएंगे, ठीक है। लास्ट जो पैराग्राफ है वहां पे उंगली रखो, लास्ट जो पैराग्राफ है ना वहां पे उंगली रखो, रखी। ओके, एक खेत में आलू उगे हुए थे, ठीक है। उन खेतों में आलू जो है वो लगे हुए थे। आलू कहाँ लगते हैं, जमीन के ऊपर लगते हैं, जमीन के नीचे, जमीन के नीचे लगे हुए, उन जड़ों में ये आलू लगे होते हैं। नाना जी ने आलू का पौधा उखाड़ कर यानी निकालना, आलू का पौधा निकाल कर निकालकर बच्चों को दिखाया कि ये आलू किस तरह होते हैं, वो कहाँ लगे होते हैं, किस तरह का यह पौधा होता है। पौधों की जड़ों में आलू लगे थे। बच्चों को पता चल गया कि आलू भी मूंगफली की तरह जड़ों में ही लगते हैं। जो शकरकंदे होता है, जो मूंगफलियां होती है, गाजर होता है, मूली होता है, प्याज, लहसुन, ये सब कहाँ लगते हैं, जमीन के नीचे लगते हैं ये सारे पौधे, ठीक है। और जमीन के ऊपर जैसे कि टमाटर है आपका, भिंडी है, जो सारी सब्जियां है, हरी सब्जियां वह जमीन के ऊपर लगती है, ठीक है। विहान टमाटर के पौधे से टमाटर तोड़कर खाना चाहता था। विहान जो उसका मित्र था काव्या का, वो क्या खाना चाहता था, टमाटर। आपको टमाटर लगने से पहले उन पौधों में क्या लगते हैं, पहले विहान जो उसकी जड़े हैं फूल लगते हैं पीले रंग के, ठीक है। उन फूलों से ही यह टमाटर जो लाल टमाटर तैयार होता है, लाल लाल टमाटर वह तैयार होता है। पहले वह कच्चे होते हैं और धीरे धीरे वह टमाटर पकने लगते हैं। दादाजी टर्न द पेज। खेत के मालिक से पूछा, उसने हाँ कर दिया। तो नाना जी ने क्या किया, खेत के मालिक से उसने पूछा टमाटर को खाने के लिए, तो उस मालिक ने हाँ कर दिया, यानी वो टमाटर उसने दे दिए बच्चों को खाने के लिए। फिर सब बच्चों ने टमाटर खाए, मूलियां भी उखाड़ कर खाई। ये जो मूलियां लगती है, जो रेडिश होती है, वो जमीन के इस तरह नीचे लगती है, ठीक है। इस तरह वह उन्होंने टमाटर भी निकाला और मूलियां भी उखाड़ कर उन्होंने बच्चों को खाने के लिए दिया। सलाद के रूप में हम लोग क्या क्या करते हैं बता सकते हो आप लोग, सलाद में क्या क्या खाया जाता है? खाना खाते समय बीच में हमें सलाद खाना चाहिए, क्या क्या होता है सलाद में, मम्मी क्या क्या कट करती है? और हिंदी में बताना है, टमाटर, गाजर कट किया जाता है सलाद में, प्याज कट किया जाता है, टमाटर कट किया जाता है, ककड़ी कट किया जाता है और उसको सलाद के रूप में दिया जाता है, ताकि उसे खाने में शक्ति मिले। खाने के बीच बीच में अपन सलादों का प्रयोग भी करना चाहिए।
पास में गन्ने का खेत भी था। अभी वो लोग कहाँ पहुंच गए? गन्ने के खेत में। आप लोगों ने देखा है गन्ने के खेत? वो बड़े इलाकों में लगाए जाता है गन्ने के खेत, और काफी बड़े बड़े होते हैं वो, है ना। इस तरह होते हैं, इस तरह उसकी पत्तियां होती है, बड़े बड़े होते हैं, पास पास लगे होते हैं। यस, और ये गन्ने खाने में कैसे होते हैं? ईख कैसी होती है खाने में? रसीले, रसीले तीखी होती है बड़ी। उसको अपने दांतों से निकाल के खाया जाता है, और अगर हम इस गन्ने को खाते हैं तो हमारे जो दांत है वो बड़े ही मजबूत बनते हैं। वह गन्ने का रस निकाला जा रहा था एक कहाड़ी में। कहाड़ी की कढ़ाई, बड़ी सी जो कढ़ाई रहती है, उस कहाड़ी में गन्ने का रस निकाला जा रहा था। यानी उसको जिस तरह ऐसे उबाला जाता है, आग लगाई जाती है, उसको जो गन्ने का रस निकालते हैं ना, गन्ने का रस निकाल के इस कढ़ाई में डाला जाता है, उसको उबाला जाता है, ठीक है। और तब जाके वह कम होंगे बहुत मीठा गुड़वा बन जाता है। तब सब बच्चों ने थोड़ा गरम गरम गुड़ चख कर देखा। तो वो जो गुड़ था वो तैयार हो ही रहा था, तो बच्चों को चखाने के लिए थोड़ा सा गुड़ उनको भी दिया गया। बच्चों को गुड़ बहुत स्वादिष्ट लगा। गुड़ कैसा लगा उनको? बच्चों को आजकल जो गुड़ आते हैं वो इस तरह आते हैं, पाकी होते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं, इस तरह होते हैं वो गुड़, छोटे छोटे या फिर बड़े साइज में, है ना। और उसको कट करके खाने में वगैरह उसका प्रयोग किया जाता है। आपको पता है जो गुड़ होता है और जो मूंगफली होती है, गुड़ और मूंगफली को खाया जाता है अच्छी सेहत रहने के लिए, खून बढ़ने के लिए गुड़ और मूंगफली का प्रयोग किया जाता है। क्या आप लोग इस चीज को खाते हो? खाते हो गुड़ और मूंगफली खाना? बिल्कुल खाना, ठीक है। इससे हमारे जो खून है वह बढ़ता है, मेमोरी हमारी शार्प होती है, ठीक। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ। एक खेत में कुछ स्त्रियां, ओके, स्त्रियां जो वर्ड है उसको अंडरलाइन करो। स्त्रियां वर्ड को अंडरलाइन करो। किसाने हो अंडरलाइन करो इसे। कल भी मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, एक वचन और बहुवचन थे, बताए थे। इस वर्ड को पढ़ो, तुमने क्या लिखा है? स्त्री, आधा स है ये, आधा स और क को बड़ी की मात्रा, स्त्री, है ना। यस, और स्त्री यानी यहाँ पे एक वचन है, यानी एक ही स्त्री है। जब बहुवचन, बहुत सारी औरतें होंगी तब क्या बन जाएगा? स्त्रियां। क्या बन जाएगा वह? स्त्रियां, स्त्रियां, ठीक है। तो एक खेत में कुछ स्त्रियां जो है, बहुत सारी औरतें काम करते हुए लोक गीत गुनगुना रही थी। लोक गीत यानी गांव में ज्यादातर जो गांव के जो रीति रिवाज होते हैं, वहां के जो गाने होते हैं, वे गाने गुनगुना रही थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कर्नाटक है, तो कर्नाटक की जो कन्नड़ भाषा है, तो कन्नड़ भाषा की अपनी कुछ विशेषता है। तो वहाँ यहाँ के जो गाने हैं, ये गाने गांवों में गाए जाते हैं, उनकी कुछ स्पेशलिटी होती है जो देहातों में ज्यादातर गाया जाता है, ठीक है। तो गाँव में गाने जाने वाला गीत उसको कहते हैं लोकगीत, यानी गांव में गाने जाने वाला गीत। तो वो जो स्त्रियां थी वह गाने गुनगुना रही थी खेतों में काम करते करते। गीत सुनने में बच्चों को बहुत आनंद आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था उनको जब औरतें गाना गा रही थी। जब कोई गाना गाता है अपने दिल से, जब गाना गाता है तब उस गाने को जब हम सुनते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? कैसे महसूस होता है? अच्छा, अच्छा महसूस होता है। और अगर वो गाना हमें पसंद आता है,
तो उस गीत को हम क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं, उस लय को हम गुनगुनाते हैं, उस धुन को, क्योंकि वो हमारे दिल को छू जाती है। उसके जो वर्ड्स है, उसकी जो धुन है, उस गाने को हम क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं। काफी समय हो चुका था, नाना जी ने बच्चों से घर वापस चलने को कहा। बहुत सारा समय उन्होंने खेतों में बिता दिया था, तो नाना ने कहा कि अभी बहुत समय हो चुका है, अभी आप घर चलो। सभी घर की ओर चल दिए, तो बच्चे और नाना जो है वह घर की ओर निकल पड़ते हैं। अंडरस्टैंड दिस मच, थोड़ा बहुत समझ में आया? यस मैम। अब तक कोई डाउट है? जितना मैंने बताया इसमें कुछ डाउट है आपको? कोई डाउट है? तो ये जो लेसन है ना, ये लेसन जो है वो कहानी के जैसे समझ के लेना है। जैसे हम लोग कहानी कैसे समझ के लेते हैं, सुनते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। ना हेडिंग की मैम, वो लास्ट की बात है, पहले लेसन तो पढ़ा दे। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ। 1 2 3 4 फोर्थ पैराग्राफ पे आओ। अपनी उंगलियां रखो वहां पे, उंगलियां रखो। घर आए तो खाना तैयार था। आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पे खाना किसने बनाया होगा उन बच्चों के लिए? नानी जी ने। नानी जी ने ऑलरेडी खाना बना दिया था, उनका प्यार उभर के आ रहा था अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए। नानी के घर के सामने बच्चों के लिए चारपाई बिछा दी। ये चारपाई क्या होता है? चारपाई क्या होता है? फोर्थ पैराग्राफ, ये देखो यहाँ पे फोर्थ पैराग्राफ। क्या होता है चारपाई? चारपाई क्या होता है? मैं जैसे ऐसी बना रही हूँ, आप अंदाजा लगा लीजिए, बेड जिसपे हम सोते हैं, तो उस चारपाई पर नानी जी ने क्या कर दिया, चारपाई बिछा दी। वहां से दूर दूर तक गांव की सुंदरता दिखाई दे रही थी, यानी आंगन में हमने उस चारपाई को लगा दिया और उस चारपाई पे बैठकर वे बच्चे जो है वह दूर दूर तक नजारा देख सकते थे, वहां के खेत देख सकते थे। सांझ हो गई। सांझ का मतलब क्या है बता सकते हो? सांझ का, सांझ यानी शाम, सांझ यानी शाम। शाम शाम हो चुकी थी क्योंकि बच्चे दिन भर घूमकर आए थे, अभी शाम हो गई थी। आसमान में सूरज की लाली छा गई थी। जब सूरज डूबने लगता है आसमान में, तो आकाश में कैसे रंग दिखाई देता है? थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा ऑरेंज रंग दिखाई देता है, तो पूरी लाली जो है वह आसमान में छा गई थी। उड़ते पक्षी, नाचते मोर और पेड़ पौधों को देखकर ऐसा लगता था जैसे सामने कोई सुंदर पेंटिंग बनी हो। जब आप पेंटिंग देखते हैं तो कितनी सुंदर पेंटिंग दिखती है, आकाश है, उसमें सूरज चमक रहा है, या शाम ढल रही है, या पेड़ पौधे दिखाई देते हैं हमको, मिट्टी वगैरह, तो मानो कि जैसे आसमान में पेंटिंग बनाई गई हो, ऐसा सुंदर दृश्य उनको वहां से दिखाई दे रहा था। यस, आप लोग पेंटिंग बनाते हो, सीनरी वगैरह बनाते हो? यस, सिखाते हैं ना आपको सीनरी? तो आप अपनी आप अपनी कल्पना से, आप अपनी इमेजिनेशन से बनाते हो। सूरज, सूरज बनाते हैं, चिड़िया वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो कॉमन है, घर बनाते हैं, मैदान बनाते हैं, नदियां बनाते हैं, पेड़ पौधे साइड साइड में बनाते हैं, तो वो दृश्य जो है वो हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में रहता है, है ना, डायरेक्ट रहता है। इसलिए हम लोग अपनी कल्पना से उस चित्र को बनाते हैं, तो बच्चों को मानो देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे आकाश में
पेंटिंग किसी ने किया हो, इतना सुंदर दृश्य वहां पे दिख रहा था, गांव का नजारा। आप मुझे ये बताओ कि आपको सिटी में ज्यादा रहना पसंद है या फिर आपको अपने गांव में रहना ज्यादा पसंद है? क्यों शहर में क्यों पसंद नहीं आपको? शहर में क्यों पसंद नहीं आपको रहना? शहर में क्यों पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं आपको शहर में रहना? क्यों खेलने के लिए जगह भी सुनिए, खेलने के लिए जगह होती है, पार्क वगैरह होती है, तो बहुत मजा तो आता है। फिर क्यों आप बोल रहे हो कि गांव में ही रहना पसंद है? कारण तो बताइए। क्या यस मैम, बोलो उत्तर। हमारे अपने वहां पे रहते हैं गांव में, वहां पे प्रदूषण नहीं होता, वहां का दृश्य जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, हमारा मन दिन भर वही लगा रहता है। लेकिन ये सब कुछ हम लोग शहरों में नहीं देख सकते, वो सारा दृश्य हमें सिटीज में देखने नहीं मिलता है, क्योंकि हर जगह हमें सड़के ही सड़के और हर जगह बिल्डिंग से बिल्डिंग दिखाई देती है, तो मजा कैसे करेंगे? दिन भर घर में बैठ के वीडियो गेम खेल के मोबाइल पे, तो हम बाहर कब घूमेंगे, कब खेलेंगे हम लोग? तो हमें सबसे अधिक मजा कहाँ आता है? गाँव में ही मजा आता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। बच्चे गांव की इस सुंदरता को देखते रह गए, इस चारपाई पे बैठे हुए थे और उस नजारे को, उस दृश्य को बच्चे देखते ही रह गए। मंद मंद, अंडरलाइन द वर्ड मंद मंद, अंडरलाइन द वर्ड मंद मंद। मंद मंद अंडरलाइन करो उस वर्ड को, मंद मंद यानी धीरे धीरे। बीच में पेज नंबर कहाँ आ गया, कहाँ जा रहे हैं आपका? पेज नंबर 28 इस पैराग्राफ में हम लोग। मंद मंद यानी धीरे धीरे, मंद मंद का अर्थ क्या है? धीरे धीरे। ओके, तो धीरे धीरे शीतल हवा, शीतल यानी ठंडी हवा, ठंडी हवा जो है बाबा, और फूलों की महक, महक यानी खुशबू, महक का अर्थ है खुशबू। फूलों से क्या आती है? शहर मिलता है बहुत सुंदर खुशबू आती है, जो भंवरे रहते हैं, जो तितलियां रहती है, वो फूलों में क्या करती है? मंडराती है, उसका रस पीती है, शहद इकट्ठा करती है, तो जो फूल है उसकी महक से, उसकी महक से पूरा जो वातावरण है वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, और हवा जो है ठंडी ठंडी चल रही है। आगे, फूलों की महक से बच्चों का मन आनंद से भर गया, आनंद यानी खुशी, आनंद का अर्थ क्या है? खुशी, बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आ रहा था हमको, खुशी। यस, जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है चिल्ड्रन? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। नानी ने, यहाँ पे नानी ने खाने के लिए तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें बना रखी थी। क्या बनाया था नानी ने? बहुत सारे व्यंजन, बहुत सारे व्यंजन, यानी कखोरी, खाने की बहुत सारी डिशेस नानी जी ने बनाई थी, और बड़ी ही वो टेस्टी थी। गर्मा गर्म पूरियां,
गरमा गरम पूड़िया कचौड़िया बेसन की पकौड़िया कच्चे आम की चटनी आलू और टमाटर की चटपटी सब्जी बच्चों ने खूब चटकारे लेकर ये सब देख के आपके मुंह में पानी तो नहीं आ गया? ये सब सुन के ये सब सुन के मुंह में पानी तो नहीं आ गया आपके? पानी आ गया? आलू टमाटर आलू ओके तो ये सारे सुंदर सुंदर स्वादिष्ट नानी जी ने बना दिया। तो बच्चों ने चटकारे लेकर खाए, यानी बड़े चाट चाट कर उन्होंने ये सारे व्यंजन को उन्होंने खाया। यस मैम। आगे नरम नरम मीठे रसगुल्ले रचिता और सजल को बहुत पसंद आए। रसगुल्ले कैसे होते हैं? कैसे गोल 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 मीठे मीठे स्वादिष्ट गोल गोल रसगुल्ले तो बहुत पसंद है। किसे पसंद आए? रचिता और सजल को बहुत मजा आया था खाने में। नानी ने मेवो की खीर भी बनाई थी। मेवे जिन्हें यानी खजूर बादाम मेवे यानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसकी खीर नानी जी ने बनाई थी। बच्चे मजे से लास्ट पैराग्राफ कहाँ ध्यान है आपका? बच्चे लास्ट पैराग्राफ बच्चे मजे मजे से खाते जा रहे थे और प्रकृति का आनंद भी ले रहे थे। स्वाद स्वाद में बच्चों ने खूब खाया। नानी ने भी उन्हें बड़े लाड़ से खिलाया। जब हम अपने गांव में जाते हैं, अपने दादा दादी के साथ जाते हैं उनके गांव में, तब वो हमारे बड़े प्यार करते हैं, बड़ा लाड़ करते हैं, खाने पीने को बहुत जबरदस्ती करते हैं, ये खाओ वो खाओ करते हैं, उधर उधर घुमाने ले जाते हैं, तो हमारे बहुत लाड़ होते हैं। आपके भी लाड़ होते हैं? बहुत ज्यादा लाड़ होते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो उन्हें नानी ने नानी ने उनको बहुत प्रेम किया, बहुत कुछ खिलाया उनको। आगे लास्ट पैराग्राफ लास्ट यस आप देख रहे हो, आप देख सकते हो वहां चारपाई बिछी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, नानी बैठी है और नजारा देखिए वहां पे सूरज है, शाम हो चुकी है, पीला रंग दिखाई दे रहा है आसमान में, मोर है, पेड़ पौधे हैं, खाने की इतनी सारी चीजें रखी हुई है व्यंजन। ओ माय गॉड। आगे खाने पीने के बाद काव्या के पापा ने वापस सोने को कहा। तो काव्या के पापा भी कह रहे कि अबे समय हो चुका है, अभी हमको लौटना होगा। बच्चों का मन तो नहीं था पर अगले दिन स्कूल भी तो जाना था। अभी बहुत मजे कर चुके हैं लेकिन अभी समय हो चुका है, तो उनके पापा वापस चलने को कह रहे हैं। तो क्योंकि दूसरे दिन क्या था? स्कूल था, इसलिए सबने नाना नानी से विदा ली, उनको बाय कहा। के पैर छुए, नाना नानी की आंखें नम हो गई। आंखें नम होना यानी आंखों से आंसू आना इसका अर्थ है। आंखों से आंसू आना यानी रोना। कौन रो रहा था? नाना नानी रो रहे थे क्योंकि उनके बेटे और उनके जो पोती थी। डोंट राइट, बस समझ के लेना। तो उसका जो बेटा है और जो पोते पोतियां हैं वे लोग, अभी उनका समय हो चुका है जाने का, इसलिए उनकी आंखें भर आई, उनकी आंखें गीली हो गई, वे उनका मन दुखी हो गया क्योंकि वो लोग जाने वाले। इसीलिए सब बच्चों ने उन्हें प्रणाम किया। जब हम जाते हैं गांव में तब हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं, जब लौट कर हम लोग वापस जब आते हैं तभी भी हम पैर छूते प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो बच्चों ने उनका आशीर्वाद लिया, उनको प्रणाम किया।
क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा रिवाज है, अपने से बड़ों के पैर कभी भी छूना चाहिए, उन्हें विश करना चाहिए। आप छूते हो अपने माता पिता के पैर, अपने बुजुर्गों के पैर? जब वो लोग आते हैं क्या उन्हें नमस्ते कहते हो, हाय हेलो कहते हो, उनकी तबीयत पूछना है क्योंकि ये सारे गुड हैबिट्स हैं, ये सारी जो है गुड हैबिट्स हैं, है ना। और हमें अच्छे बच्चे बनना है, बुरे बच्चे बिल्कुल नहीं बनना है। आगे सब बच्चों ने उन्हें प्रणाम किया, जीप में वापस चल दिए, जीप में बैठ चुके निकलने के लिए। रास्ते भर सब बच्चे यही गाते रहे, नाना के घर मजे मजे भाई, नाना के घर मजे मजे। Do it once again, नाना के घर मजे मजे, नाना के घर मजे मजे भाई, नाना के घर मजे मजे, नाना के घर मजे मजे, Yes, तो यही गाना जो है वह गुनगुनाते रहे, और ये सारा समय उन्होंने गांव में जो बिताया था वो उनके दिमाग में वही दृश्य चलता रहा कि किस तरह उनका समय, तो उनके मन में यही बैठा रहा कि किस तरह उनका समय बीत गया, सुबह से लेकर शाम तक उनका समय कैसे बीत गया उन्हें पता भी नहीं चला, और उन्होंने खूब मजे किए। काव्या के जो मित्र थे उन सभी ने खूब मजे किए, उनको पता चल गया कि गांव का दृश्य कैसा होता है। आपको पता चला शहरी जीवन और तो आपको पता चला शहरी जीवन कैसा होता है और ग्रामीण जीवन कैसा होता है, गांव का जीवन फर्क पता चला? फर्क पता चला आपको? तो हमने इस लेसन में गांव और आवाज की करने वाला ठीक।